एंड्रू टेट की सिर्फ एक चीज को रिस्पेक्ट करो मेरे भाइयों, एंड वो है उसकी वर्क एथिक। वो जो काम करने को प्रमोट करता है, वो जो तुम्हें शो करता है किस तरह इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करो यू विल गेट द रिजल्ट्स, सिर्फ उस चीज को फॉलो करो। अदरवाइज एंड्रू टेट एक मिसोजिनिस्टिक है, औरतों के खिलाफ बहुत कुछ बोलता है, ऐसी चीजें बोलता है जो कि मैं अपनी मदर के बारे में कभी नहीं सुनूंगा, अपनी बहन के बारे में कभी नहीं सुनूंगा। और अगर तुम में से कोई अपनी माँ बहन के बारे में वो वाली बातें सुन सकता है, सोच सकता है, ऑल पावर टू यू, कीप फॉलोइंग हिम। Women are as smart as men. Well, it's been proven that the smartest people in the world are men. Proven how? Read the study. What study, bro? Google it. I'm gonna Google it. Every single study says there's no difference. If you were to look up the highest IQs in the world, the first 10, first 20, look them up. Are they men or women? I haven't done this. Look it up. I did highest IQ in the world. Literally what comes up. Marilyn Von Savant has one of the world's highest IQs. She is known as the smartest person in the world. Cool. Then all right, cool. Then I'm totally wrong. I never even said. So it's reverse. A male porn star owes the woman. I don't know, because I think the women belong to the man. I think the woman is given that's inherently where you get called sexist. But मेरे को एक एंड्रू टेट लवर मत घोषित कर दो, ऐसा मत बोलो कि आई लव एंड्रू टेट, क्योंकि आई डोंट लव और आई डोंट रिस्पेक्ट एंड्रू टेट एट ऑल। मुझे सिर्फ उसकी एक चीज पसंद है, एंड वो है उसकी वर्क एथिक। मैंने वो जो मैट्रिक्स माया वाली वीडियो बनाई है, जहां से मेरी मैक्सिमम ऑडियंस आई है इस चैनल पर, उन लोगों को लगता है दैट आई एम एन एंड्रू टेट सपोर्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे सपोर्ट अनसपोर्ट करने से, इवन तुम्हारे सपोर्ट अनसपोर्ट करने से उसको एक चींटी जितना भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ही इज ऑलरेडी अ मिलियनेयर। सो सबसे पहले खुद को सपोर्ट करो, अपने बारे में सोचो दूसरों को सपोर्ट करने से पहले। ये स्लेव मेंटेलिटी किसी को हीरो बना देने वाली को छोड़ दो, किसी के भी पीछे पड़ना छोड़ दो, इवन मेरी वीडियोस बिंज वॉच करना छोड़ दो, पहले अपने लिए कुछ कर लो। रही सेकंड बात एंड्रू का मिसोजिनिस्टिक होने की, वो सब तो मेरे को नहीं ही है पसंद, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे उसे कैंसिल करना वर्थ इट है, डिजर्व करता है, या उसे जेल में डालना डिजर्व करता है, बिकॉज आई डोंट सपोर्ट दैट एट ऑल। आई बिलीव इन फ्री स्पीच सबको मिलनी चाहिए। एंड द बिगेस्ट रीजन जो मैं एंड्रू टेट को पसंद नहीं करता हूँ, वो है क्योंकि ही टॉक्स बैड अबाउट माई गॉड्स एंड योर गॉड्स टू, यू आर अ सनातनी हिंदू लाइक मी। ठीक है, एंड्रू टेट डज नॉट रिस्पेक्ट इंडियन कल्चर और इंडियंस एट ऑल, ना ही उनके धर्म को एंड ना ही उनके कल्चर को। कल्चर की बात बाद में करते हैं, फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट एंड्रू टेट्स ओपिनियन ऑन द इंडियन गॉड्स। Hindu, I mean, no. I mean, the Sikhs were supposed to be a warrior religion, but I haven't heard about Sikhs fucking up anybody in a long time. Hindus pray into elephants. आप जैसा कि देख सकते हो, he thinks कि Indians तो ऐसे ही हैं, वैसे ही हैं, हाथियों की पूजा करते हैं, ये वो। This shows कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मैं उसे गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। Maximum Westerns यही सोचते हैं, जिनको जीरो नॉलेज होगी वो यही सोचेगा। ऑब्वियसली बाहर से देखने में बंदा यही सोचेगा कि ये क्या, हाथी की पूजा हो रही है, उनको क्या पता ये लॉर्ड गणेश है, इनकी सिंबलिज्म क्या है, ये क्या है, वो उनको कुछ नहीं पता। बट मुझे एंड्रू टेट की ये चीज़ पसंद नहीं आई कि फर्स्ट ऑफ ऑल इतना इग्नोरेंट बास्टर्ड की तरह बिहेव करना, कम नॉलेज होने के बावजूद, जो कि उसने टिकटॉक से ली है मोस्ट प्रोबेबली, किसी पर कमेंट पास ऑन कर देना, सिर्फ एक बंदे पर नहीं, एक कल्चर पर नहीं, उनके गॉड्स पर, किसी के गॉड पर कमेंट पास करना इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स दैट अ मैन कैन डू। ठीक है, कितना डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर है कि आप 21st सेंचुरी में भी किसी के रिलीजन और उनके गॉड्स पर कमेंट्स पास ऑन कर रहे हो, जो कि बैड कमेंट्स हैं। सेकंड, वो जितना बोलता है दैट आई एम द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, आई नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, तो उसको ये तो पता है नहीं कि हाथी की पूजा का मतलब क्या है। क्या आपको लगता है उसे गणेश चतुर्थी के बारे में पता होगा? नहीं पता होगा। एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जो कि आई डोंट लाइक एंड्रू टेट एट ऑल। आई रिस्पेक्ट हिज वर्क एथिक, वो जो काम करने को बोलता है आई रिस्पेक्ट हिम, वो जितना मेहनती है रिस्पेक्टेड, पर लेकिन उसके 99% ऑफ द व्यू पॉइंट से मैं एग्री नहीं करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बिगेस्ट है कि वुमेन को सबमिट करना चाहिए मैन के सामने, लाइक व्हाट सबमिट करना चाहिए। एंड्रू टेट इज द काइंड ऑफ गाय जो कि बिलीव करता है कि लड़कियों को एजुकेशन तक नहीं मिलनी चाहिए। आई एम 100% श्योर, भले ही वो ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलता, बट ही इज दैट काइंड ऑफ गाय, उसकी बातों से ही पता लग जाता। अब देखो, मैं खुद फेमिनिज्म के खिलाफ हूँ, आई डोंट लाइक द मॉडर्न फेमिनिज्म, पर जो फेमिनिज्म के बेसिक कोर टेनेंट्स हैं, जो कि कई औरतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक हस्बैंड्स का बीट करना, उसके खिलाफ उनको सपोर्ट मिली है, ऑल दैट स्टफ, दैट इज रियली नेसेसरी। अब बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि पीपल आर चेंजिंग देयर जेंडर्स इन द नेम ऑफ फेमिनिज्म, आई डोंट सपोर्ट दैट एट ऑल और लाइक दैट एट ऑल। पर लेकिन एंड्रू टेट कई सारी चीज़ें मिसोजिनिस्टिक होकर बोलता है, चाहे झूठ हो सच हो, पर वो बोलता है। एंड ये भले ही कड़वी लग रही हो बात तुम्हें सुनने में कि मैं तो एंड्रू टेट का बिगेस्ट फैन हूँ,
फर्स्ट ऑफ ऑल तुम एक गधे हो, उसको कुछ नहीं पता तुम्हारे बारे में, ही डज नॉट नो यू एट ऑल, समझ रहे हो, तुम्हारी एग्जिस्टेंस भी नहीं है उसके आगे, एंड तुम अपनी लाइफ किसी की लिटरली पूजा कर रहे हो, निकाल रहे हो, जो कि एंड्रू टेट नाम का बंदा है। पर मैं फिर कह रहा हूँ आई डोंट सपोर्ट कि वो इस बात पे जेल पे जा रहा है वो, क्योंकि फ्री स्पीच सबको मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं उसके कॉमेंट्स अबाउट माई नेशन, आर नेशन, भारत इंडिया। Think India, let me ask you the question then. Do you think India suffered? Do you think India is in a worse place now than it would have been if it was never colonized by the British? Now, I'm not saying the British didn't kill people. I'm not saying they were completely fair, but also the world was a different place back then. No, nowhere was fair. If the British didn't turn up to India in the 1800s, then the Indians would be killing the Indians. People just killed each other. That's how it worked, right? Do you think India would be in a better place today if it was never colonized by the British? I mean, they're pooping in the streets right now. This stupid man thinks कि अगर इंडिया पे अंग्रेजों ने राज नहीं किया था तो हम लोग अनसिविलाइज्ड होते। अब इस गधे को कौन बताए कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया के पास 45% ऑफ द जीडीपी वर्ल्ड का था। इमेजिन पूरी दुनिया का 45% पैसा इंडिया के पास था, समझ रहे हो, एंड ही थिंक्स कि हम लोग अनसिविलाइज्ड थे इसलिए अंग्रेजों ने जो हमें लूटा, आर्टिफिशियल फेमिन्स किए गए, फेमिन्स का मतलब होता है भूखा रखा गया लोगों को, क्रॉप्स सड़ा के, ओपीएम वाले कांड किए गए, ये सब अच्छा था, इतने सारे मैसेकर्स किए गए, ये सब अच्छा था, क्यों, क्योंकि सिविलाइज करना था। जिस चीज को आज वो खिलाफ जाता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड इज डाइंग, वहां पर डीजनरेसी आ गई, वॉकिज्म आ गई, दूसरी तरफ कह रहा है कि हमें उन लोगों ने ही सिविलाइज किया जिनके आज खुद बुरे हाल है। जो अमाउंट ऑफ हिपोक्रेसी एटीट्यूड से निकलती है वो किसी तरह नहीं निकलती है। एक तरफ वो खुद बोल रहा है वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज द वर्स्ट सिविलाइजेशन, दूसरी तरफ बोल रहा है कि वेस्टर्न लोगों ने हमें सिविलाइज करके अच्छा, ये किस तरह से सेंस बनाती है टॉपिक। एंड आप उसकी वीडियो देखना जब वो इंडिया में आया था, दैट मैन इज सिंपली रेसिस्ट, कह रहा था कि ये इंडियन बोने बोने होते हैं, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, दे कांट टच मी, आई विल स्मैक देम, ऑल दैट स्टफ। दिस शोज कि ये दिल से भले ही बंदा बुरा ना हो, एंड इवन दो ये बोलता है आई एम द मॉर्फियस, मैं मैट्रिक्स के बाहर हूँ ये वो, पर ये खुद एक मैट्रिक्स का पार्ट है, क्योंकि इसको वही हिस्ट्री पता है जो इसने सुनी है। इसने कभी रिसर्च करने की कोशिश नहीं की कि इंडिया कैसा था, इंडिया का कल्चर कैसा है, धर्म कैसा है, इसने बस अपने कमेंट्स पास ऑन कर दिए हैं। एंड दैट इज सो रॉन्ग कि किसी कम्युनिटी को बुरा कहना, उसके बाद उस नेशन को बुरा कहना, एंड वहां पर कोई आकर जबरदस्ती राज करता है तो उस चीज को अच्छा कहना। एंड अब तुम में से भी कई लोग बोलोगे कि यार अंग्रेजों ने तो ट्रेन्स दी, ये दिया, वो दिया। आई आस्क यू सिंपल क्वेश्चन, मैं तुम्हारे घर पे कब्जा कर लेता हूँ, तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी बहन के साथ गलत चीजें करता हूँ, तुम्हारे पिता को मार देता हूँ, और बदले में तुम्हारे घर पे एक चार दीवारी लगा देता हूँ, दुनिया की सबसे सुंदर चार दीवारी विद अ ब्यूटीफुल गेट, दुनिया का सबसे महंगा गेट, एम आई अ गुड पर्सन? मैं तो ये कह सकता ना, मैंने तुम्हें सिविलाइज किया, मैंने तुम्हारे घर के इर्द गिर्द दीवारें लगाई हैं, विल यू से कि आई एम अ गुड पर्सन? नहीं ना। पर जस्ट इमेजिन तुम्हारा पोता 2-3 जनरेशन बाद कहे यार होगा बुरा, पर लेकिन उसने यार दीवार भी तो बना कर दी, तुम्हारा खून नहीं उबलेगा। सेम चीज आज के टाइम पर कई लोग कर रहे हैं। वेस्टर्न्स तो छोड़ो, एनिटेट तो बाहर का है, उसे छोड़ो, पर कई हमारे इंडिया के लोग कह रहे हैं दैट अंग्रेजों ने ट्रेन दी, पर बाकी चीजें भूल जा रहे हैं कि ट्रेन दी तो किसके मटेरियल से दी, इंडिया के ही, लेबर लगाई इंडिया की ही, किस लिए बनाई, ताकि इंडिया से जल्दी चीजें बाहर को ले जा सके। इतने बड़े लैंड में ट्रेन से कनेक्ट कर दो तो कहीं से भी कहीं का सामान उठाकर बाहर निकाल दो। हीरा और पन्ना नाम की दो माइंस थी गोल्ड की, आज वो खाली हैं, कहाँ गई, उनको ट्रेन की मदद से ही खाली किया गया है, पोर्ट तक ले जाया जाता है ट्रेन के थ्रू वो बाहर निकाला जाता था। ये कॉन्सेप्ट बाहर निकाल दो अपने दिमाग से कि अंग्रेज कभी भी या कोई भी इन्वेडर इंडिया में इंडिया को इम्प्रूव करने के लिए आया था, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो दूसरे के घर पे अटैक करे और बोले मैं तेरे को इम्प्रूव करने आ रहा हूँ, एंड अगर कोई करता है तो सी उसने बुरी चीजें क्या की। ईविल इज ईविल, लेसर और ग्रेटर इट डज नॉट मैटर, ईविल इज ईविल, एंड दिस इज द रीजन दैट आई डोंट सपोर्ट एंटीटेट एट ऑल। एंड तुम भी एंटीटेट को सपोर्ट करना छोड़ दो, सपोर्ट एक तरफ अलग बात होती है, एंड किसी का लिटरली फैन बॉय बनना इज अ डिफरेंट कंसेप्ट ऑल टुगेदर। व्हाई यू एज अ ग्रोन मैन आर वर्शिपिंग एंटीटेट जब तुम्हारे पास शिवाजी छत्रपति महाराज खुद हैं, जब तुम्हारे पास कनिष्क द ग्रेट, चोला डायनेस्टी, इन लोगों की पूजा करने के लिए पड़ा हुआ है, देन व्हाई आर यू फॉलोइंग एंटीटेट? जो एंटीट्यूड बोल रहा है उसमें से एक भी बात ऐसी नहीं है जो चाणक्य नीति में नहीं बताई गई थी, तो फिर तुम क्यों एंटीट्यूड की वर्शिपिंग कर रहे हो? सपोर्ट हिम ऑल यू वांट, बट व्हाई आर यू बीइंग लाइक एंटीट्यूड के ऊपर अपडेट वीडियो बनाओ, एंटीट्यूड कैसा है, एंटीट्यूड ये, हु केयर्स? तुम्हारे सपोर्ट ना सपोर्ट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो रोमानिया की जेल में है, तुम क्या चेंज कर लोगे? इजंट दिस अ ककिश बिहेवियर? तुम एक मैन हो के किसी और मैन के अंदर सबमिट कर रहे हो जो कि गॉड भी नहीं है। एज अ मैन सिर्फ एक चीज के आगे घुटने टेका करो, वो है गॉड ऑलमाइटी, चाहे तुम किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, अदर देन दैट कोई वर्थ इट नहीं है इसके, तुम्हारे फादर के, तुम्हारे पेरेंट्स के और गॉड के सिवा, जिसके सामने तुम अपने घुटने टेक सको। एंड्रू टेट या किसी भी रैंडम इन्फ्लुएंसर को फॉलो करने लग पड़ना और बोलना कि तू ही मेरा सब कुछ है, दिस इज वन ऑफ द स्टूपिडेस्ट मेंटालिटी ऑफ यंग मैन। स्टॉप डूइंग दिस, गेट सम हेल्प। बाकी इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर फेस यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल टू सीट एवरीवन। जागते।